क्या करना। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा, नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं अपने बारे में। मैं 21 इयर्स से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहां के सभी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पर मैंने फिजिक्स टीच किया हुआ है कोटा के, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट यूजी को क्रैक करने के लिए। नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। बच्चों, उनका कंटेंट बहुत शानदार है। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको आपके मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा बच्चों, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है वो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके चार मेन फीचर्स हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं नीट यूजी क्रैक करने के लिए। हाँ जी, यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती हैं, आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब समझते हैं, परसेंटेज पोल्स अवेलेबल है बच्चों, जिस कितने परसेंट स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है, जो ये दिखाता है कि आपके पैरेलल में भी और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो ये ऑफलाइन क्लासरूम के जैसे ही आपको फीलिंग देता है। तो ये पहला एडवांटेज है बच्चों। दूसरा एडवांटेज है इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन का, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर सकते हैं बच्चों, आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और आपका रैंक कहां स्टैंड करेगा नीट यूजी में, ये सब पता कर सकते हैं बच्चों। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यहाँ पे जीरो लेवल से शुरू करते हैं किसी भी कोर्स को, और वो टॉप लेवल तक लेकर के जाता है लर्नर्स को। साथ में यहां अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं, जैसे क्रैश कोर्स अलग होता है, रिपीटर्स बच्चों के लिए अलग कोर्स होता है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए अलग कोर्स होता है, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए अलग कोर्स होता है, फिर टाइम के हिसाब से 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं, और इनके कंटेंट बहुत शानदार है क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन है बच्चों, सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट है बच्चों, अनलिमिटेड एक्सेस। क्या होता है, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस देख सकते हैं तीनों सब्जेक्ट की नीट यूजी में, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो,
एक चैप्टर एक एजुकेटर से समझ नहीं आ रहा, आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें किसी को भी लाइव क्लास लेकर के अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं बच्चों। और अगर आपने लाइव क्लास किसी कारणवश छूट गई है तो वो वीडियोस, वो कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। ये फैसिलिटी तो ऑफलाइन क्लासेज में अवेलेबल नहीं होती है बच्चों। तो ये जो चार फीचर्स हैं नीट यूजी सब्सक्रिप्शन के, ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं इसको। अब हम बात करते हैं, यहां फ्री लाइव डेमो क्लासेस है, हाँ जी, साथ में यहां के एजुकेटर बहुत एक्सपीरियंस हैं, उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं। साथ में नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन अगर आप एक महीने का लेंगे ना तो 6,000 रुपीज का पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए। पर अगर आप नंबर ऑफ मंथ्स बढ़ाएंगे तो ये पर मंथ कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। 12 मंथ के लिए लेंगे बच्चों तो आपका कॉस्ट पर मंथ 2500 हो जाएगा, 24 मंथ के लिए लेंगे तो आप 1500 रुपीज पर मंथ तीनों सब्जेक्ट का। सोचिए आप, इससे कम में कोई भी ऑफलाइन कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते हैं। 1500 रुपीज, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। और इसमें भी और बेनिफिट है, अगर मेरा रेफरल कोड यूज करें आप जीएस सर तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 1500 वाला जो कोर्स था या सब्सक्रिप्शन था वो 1350 में अवेलेबल हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट के लिए। और आपका जो 2500 वाला था वो 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। साथ में ये तो आपको हुआ मनी वाइज डिस्काउंट मिलेगा इस कोड से, साथ में आप इस कोड को यूज करने पर मेरी मेंटरशिप के अंडर में आ जाएंगे। और मेरे मेंटरशिप के अंडर में आएंगे तो मैं न केवल फिजिक्स में आपकी हेल्प करूंगा बल्कि बायो केमिस्ट्री में भी। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे जो टेलीग्राम लिंक है उससे जुड़ जाइए और उस पर आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम है वो भेजिए, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा, आपकी जितनी हेल्प हो सकती है, यहाँ तक कि नीट यूजी का एग्जाम क्रैक कर लें, उसके बाद आपके मेडिकल कॉलेज की कोई काउंसलिंग में प्रॉब्लम है वो भी मैं हेल्प करूंगा बच्चों। आया समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पांचवा सेशन है बच्चों। हम इससे पहले, अरे पटेल साहब केवल आप यही बोलते हो पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा, होगा या ना होगा, एक बार तो आपको एग्जाम देना है ना, तो चैप्टर कवर करके रखो और जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतने कम टाइम में कर पाओगे बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन, ये एक ही टाइप के न्यूमरिकल इस पूरे चैप्टर में आते हैं बच्चों, हाँ जी। ये उस टाइप का न्यूमरिकल है, इस चैप्टर में एक ही न्यूमरिकल बनता ही है, तो चेक कीजिएगा बच्चों क्या दे रखा है आपको। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल प्योर में, प्योर का मतलब होता है बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सुना है क्या? प्योर को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक। तो ये इंट्रिंसिक की कंसंट्रेशन है एनआई, एनआई आपको दिया हुआ है 1.5 × 10^16 नंबर ऑफ इंडियम। डॉपिंग किसकी कर रहे हैं? इंडियम की, इंडियम की कर रहे हैं तो पता होना चाहिए आपको, ये ट्राइवेलेंट है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम ट्राइवेलेंट है, तो पी टाइप बनेगा, पहले से पता चल गया है। तो आपको जितना इंडियम मिलाएंगे ना वो नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम होते हैं, पक्का क्या? तो क्या हो गया 4.5 × 10^22, तो ये पता चल गया ये पी टाइप बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब सुनो बच्चों, जब मेजोरिटी पूछे ना नंबर ऑफ होल वही होते हैं जितनी इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो नंबर ऑफ होल पता चल गया। मास एक्शन लो है ना वो माइनॉरिटी के लिए लगाते हैं, क्या होता है एनआई का स्क्वायर अपॉन एनएच, या एनआई कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल बिफोर एडिंग द इंप्योरिटी, इससे हैंडल करेंगे। और एनएच कौन है?
वही है जो इम्प्योरिटी में लाते हैं बच्चों। पक्का क्या? यस। तो रख दीजिए बच्चों, क्या आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का होल स्क्वायर बच्चों, एन ए 4.5 इंटू 10 की पावर 22 बच्चों, तो कितना होगा एनी आपका 2.25 स्क्वायर किया है 10 की पावर 32। ये हो गया बच्चों, सोल्व करेंगे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन, या इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 9। तो सुनो नंबर ऑफ होल ये तो कंफर्म हो गया पी टाइप बनेगा, पी टाइप में ये माइनॉरिटी होंगे, हमेशा मास एक्शन लो है ना वो माइनॉरिटी के लिए लगाते हैं, मेजोरिटी तो इम्प्योरिटी की उससे ही फाइंड कर सकते हैं, ये मेजोरिटी है होल, मेजोरिटी तो फटाक से पता कर सकते हो आप कितने हैं, कितनी इम्प्योरिटी मिलाई, बोलो बच्चों तो क्या आएगा। यस आंसर इज 1 पी टाइप हैविंग द इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, क्यों ये माइनॉरिटी होते हैं यहां, तो ये इलेक्ट्रॉन है पर मीटर क्यूब और ये होल है बच्चों, ये होल है पक्का, तो आंसर इज 1 बच्चों डेफिनेटली पक्का क्या। हाँ जी बढ़े आगे बच्चों, चलिए तो आगे अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है आपका, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पीएन जंक्शन में, ये आपका पीएन जंक्शन है, ये पी ये एन, चेक करना बच्चों, अब एन की साइड यहां पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ये इसलिए इधर हाई पोटेंशियल होता है और उधर नेगेटिव आयन्स होते हैं, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किधर से किधर आएगा एन साइड टू पी साइड, सो आंसर इज सेकंड बच्चों, क्लियर है सबको? यस बिल्कुल सही है गोदारा जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सिंसियर बच्चे हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, हाँ जी एकदम रेगुलर रहते हैं क्लासेस में, डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है बच्चों। चलिए बच्चों कॉमन इमीटर, देखो कॉमन इमीटर वापस एक बार और बनाते हैं, चेक करना इमीटर को नीचे लाते हैं बच्चों, ये आपका इमीटर नीचे आ गया, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये एरो एरो नहीं होता, इमीटर करंट का डायरेक्शन होता है बच्चों। हाँ जी क्लियर है सबको, क्योंकि आई आउट गोइंग है तो क्या होगा बच्चों, यहां से आईसी और आईबी को इनकमिंग होना पड़ेगा, चेक करना, अब कलेक्टर टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है और बेस टर्मिनल इनपुट टर्मिनल है, इसका रेजिस्टेंस दिया है आरसी, वो आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये पहचानना आना चाहिए ट्रांजिस्टर में, और जो उसका वोल्टेज दिया है वो आउटपुट वोल्टेज है कलेक्टर का वीसी, वो 2 वोल्ट है, वहां क्वेश्चन लैंग्वेज में देखो
बेस का रेजिस्टेंस है आरबी, वो इनपुट रेजिस्टेंस है और उसे 1 किलो ओम लिखा है, चेक करना। और बीटा दिया है आपको, बीटा क्या होगा, आईसी बाई आईबी, जो डेटा दिया है ना वो पहचान में आने चाहिए, वो 100 है। पूछा है बोलो बच्चों, इनपुट सिग्नल क्या करो, इनपुट करंट निकाल लो ना, किससे निकालोगे, आईबी, तो आईबी निकल जाएगा। अच्छा आईसी नहीं दिया, आईसी तो निकाल लो ना, आउटपुट वोल्टेज है आपके पास, आउटपुट रेजिस्टेंस है, तो बोलो आउटपुट करंट या आईसी कैसे आएगा, चेक करना बच्चों। 2 वोल्ट अपॉन 2 किलो ओम, खत्म हो गया, 1 मिली एम्पियर, यहां भर दो, क्या होता है, आईबी इज आईसी बाय बीटा, तो बोलो 1 मिली एम्पियर अपॉन 100, तो बोलो कितना आया, मिली एम्पियर। अब चेक करना इनपुट वोल्टेज क्या होगा, वीआई, और ये वीबीई होगा, लेफ्ट साइड वाला, पक्का, हाँ जी बच्चों, तो क्या होता है वो आईबी इंटू आरबी या फिर आई आई इंटू आर आई, क्लियर है सबको, आया समझ में, कर दो मल्टीप्लाई, 0.01 × 10⁻³, और रेजिस्टेंस बोलो कितना दे रखा है, 1 किलो ओम, ये लो साहब 1 किलो ओम को किलो को चाहो तो 10³ लिख दो, ये कैंसिल हो गया जी, तो आंसर क्या, 0.01 वोल्ट, यही आंसर है, या फिर 10 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं इसे, बोलो बच्चों थर्ड का, यस सेकंड आंसर है, ये देखो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन शुरू होता है नेक्स्ट, AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, हाँ जी पल्लवी जी, नए स्टूडेंट है आप, आगे रेगुलर रहिए बच्चों, मजा तब आएगा। चेक करना बच्चों, कार्बन सिलिकॉन बहुत है उधर, सेम लैटिस स्ट्रक्चर, ईच इंसुलेटर सिलिकॉन इज इंट्रिंसिक, द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ कार्बन लाइज इन द सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, पता होना चाहिए सिलिकॉन 14 है, तो क्या होगा, 1s2 लिख लो ना भैया, कार्बन का 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो ना, चेक कीजिएगा बच्चों, कार्बन का 6 है तो क्या होगा, 1s2 2p4, जबकि उसका 14 है, 1s2 2s2 2p6, सॉरी 1s2 2s2 पक्का ना, तो कार्बन बोलो बच्चों, यस कार्बन में सेकेंड ऑर्बिट है और उसमें सिलिकॉन में थर्ड, यही आंसर है, क्यों उसमें थर्ड आएगा ना बच्चों, अरे कॉन्फ़िगरेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हटा दीजिए अभी, पक्का क्या, कार्बन इजी है, लो ऑर्बिट से समझा दूं, ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट
आठ इलेक्ट्रॉन। कौन? सिलिकॉन का तीसरी ऑर्बिट चार इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन है। कार्बन में क्या होगा? प्लस सिक्स, ये तो न्यूक्लियस, सॉलिड है इसलिए मैं थोड़ी लाइनें खींच रहा हूं। ये दो इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में चार, इससे भी समझ सकते हो, चेक कीजिएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों, 2019 का क्वेश्चन जो बच्चे नहीं कर पाए थे लॉजिक गेट का। हाँ जी, प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों को, चेक कीजिएगा बच्चों। यहां ये इसका मतलब समझो आप लोग, पहले क्वेश्चन का रुको बच्चों, पहले उसका आंसर तो टिक कर दिया ना। हाँ आंसर हो गया बच्चों, चेक करना बच्चों। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो 2019 का था नीट यूजी। कहां जाते हो मिस्टर एडीआई? क्लियर है? चेक करना बच्चों, करंट यहां से चलेगा। ये क्यों बैटरी लगी ना, हाई पोटेंशियल। अब एलईडी में कब घुसेगा? जब ये इधर करंट नहीं जाएगा, किधर? इस डायरेक्शन में करंट नहीं जाएगा। इधर करंट कब नहीं जाएगा? ये ए बी से ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। अगर ए जीरो है इसका मतलब दोनों ऑफ है, तो करंट एलईडी से जाएगा, एलईडी चमकेगा, एलईडी वाई है। फिर आना 01 है तो भी एलईडी चमकेगा। क्यों चमकेगा? ये जीरो का मतलब ये ऑफ है, ये ऑन है, तो भी इधर से करंट नहीं जाएगी। ये एरो के डायरेक्शन में करंट नहीं जाएगी, ये डॉटेड वाला एरो। हाँ जी, ये वन है, ये जीरो है, तो भी ये वन आएगा। पर अगर दोनों स्विच ऑन हो गए ना, तो एलईडी शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट समझते हो? करंट इधर से जाएगा यूं, कब? जब दोनों वन है तो यूं यूं। क्यों? एलईडी से नहीं जाएगा तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। बोलो बच्चों, ये किसकी ट्रुथ टेबल है? इसके उल्टे की बना लो पहले। जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो। इस पे क्या देता है? जीरो 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 और वन वन पर वन। ये है एंड गेट, तो वो कौन होगा? नैंड गेट बच्चों। अरे बोलो ना आंसर, तो बोलो चाहे गलत बोलो, गलतियां करना चाहिए पर कुछ तो करना चाहिए। हाँ जी, यस आंसर इज थर्ड बच्चों। ये चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर आ गया ये कॉमन ही मीटर। इसको याद रख लो, अब ध्यान रखो, अब बार बार बनाना पड़ता है। कॉमन ही मीटर मतलब ही मीटर नीचे। अब तो इतनी बार बना दिया आपको, हाँ जी, तो ये आई करंट है, ये आउट गोइंग, तो ये आई बी और आई सी, इनकमिंग होगा। चेक करना बच्चों, इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस है, तो वो जो 100 ओम दिया है ना, वो आर बी का वैल्यू है,
आरबी लिख दो, आरआई लिख दो, लेफ्ट साइड वाले लोग। लो यही रख देता हूं सारे क्वेश्चंस, चेक करना बच्चों। अब चेंज बाय बेस करंट, तो ये डेल्टा आई बी दे रखा है, तो वो डेल्टा आई सी आएगा, ये डेल्टा आई, ये चेंज भी लिख सकते हैं तीनों करंट को, चेक करना बच्चों। लोड रेजिस्टेंस 4 किलो ओम में, आरसी पक्का वो 4 किलो ओम में, चेक करना बच्चों। तो आना यहां पर सारे बच्चे, क्या होता है वोल्टेज गेन? ए करंट गेन, इसको वोल्टेज गेन बोला है मैंने, तो वोल्टेज का फॉर्मूला बोलो, वी इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज गेन का मतलब करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, ये इनटू रेजिस्टेंस गेन, और गेन का मतलब है आउट और इन, और यहां आउट और इन का मतलब, हाँ जी, आउट और इन का मतलब पक्का, तो करंट गेन बोलना बच्चों कितना होगा, बीटा, और रेजिस्टेंस गेन आरसी बाई आरबी। व्हाट इज बीटा? इज डेल्टा आई सी, राइट की करंट अपॉन लेफ्ट की करंट, पक्का, और आरसी बाई आरबी। बोलो डेल्टा आई सी कितना दे रखा है, 2 मिली एम्पियर। डेल्टा आई बी कितना है, 40 माइक्रो एम्पियर। ये आरसी कितना है, 4, और आरबी कितना है, ये सोल्व करना है बच्चों। देखो ये 6 तो उड़ गया, हाँ जी, रुको बच्चों रुको, ये दोनों उड़ गए, ये 6 बचा हुआ है, ये नहीं उड़ा, माइनस है वो प्लस है बच्चों, 4 से 40 उड़ गया 10 टाइम्स, तो कितना बचा ऊपर, देखना ये 10 की पावर 3, 6 में से 3 गया, तो 2 × 10 की पावर 3 बचा, सो आंसर इज बच्चों 2000। वेरी गुड मिस्टर कुमावत, बिल्कुल सही आंसर है। कैलकुलेशन आप कर लिया करो, इसमें जरूरी नहीं है टीचर का कैलकुलेशन देखना, क्यों नर्सरी क्लास में टीचर से थोड़ी पढ़े हो, तो मल्टीप्लाई तो वहां पे कुछ किसी और ने पढ़ाया है, तो उसके अकॉर्डिंग जाओ, हाँ जी, मल्टीप्लाई ध्यान रखो बच्चों अपने तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2012 का क्वेश्चन है, हाँ जी, देखो बच्चों ये 0, ये 0, ये भी 0, तो यहां बना दो ए बी सी, ये 0 पर, ये 0 पर, ये भी 0 पर, ये आउटपुट है, वाई को सी से लिख रखा है उसने, चेक करना, फिर ये 1, ये 0, फिर ये 1, 1 0, ये 1, फिर आना ये 1, ये 1, ये भी 1, ये फिर आना ये 0, ये 1, ये 1, ये कौन सा गेट है, और गेट है बच्चों, तो आप फटाफट देते हो लॉजिक गेट, तो आपका बेसिक एकदम झकास है, एकदम अच्छा हो रखा है,
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स का, धीरे जाना लैंग्वेज के क्वेश्चनों में, थोड़ा धीरे जाना। बिल्कुल सही बात है, करंट मस्ट बी जीरो इन अनबायस पीएन जंक्शन। क्यों होती है? अनबायस पीएन जंक्शन एक इंसुलेटर है, तो वहां पे अनबायस में करंट तो होती है लेकिन मेजोरिटी और माइनॉरिटी से इक्वल इक्वल हो जाती है बच्चों। क्यों? मेजोरिटी फ्लो करते हैं पी से एन और माइनॉरिटी फ्लो करते हैं। हाँ मिस्टर गगनदीप, मैं बहुत अच्छा हूं, फिट एंड फाइन, एकदम झकास। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हाँ जी बच्चों क्या होगा वहां पे? दो करंट फ्लो होती है। लो थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, चेक करना, ये आपके पास है, ये देखो, ये पी, ये एन, ये मेजोरिटी होल है तो होल ऐसे भागते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागते हैं, तो मेजोरिटी से आने वाला डिफ्यूजन करंट है। तो डिफ्यूजन करंट किधर से किधर? मेजोरिटी से आता है। और डायरेक्शन कितनी? किधर से किधर? फ्रॉम पी टू एन, यस। और ड्रिफ्ट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है? पहले बता चुका हूं एक क्वेश्चन में, ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी से पैदा होता है और एन टू पी है और नेट करंट जीरो है बच्चों। तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू डिफ्यूजन होता है यहां, ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन होता है। बोलो बच्चों, तो आंसर क्या? थर्ड जाएगा बच्चों, क्लियर? सो आंसर इज यस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर आ गया जीनर डायोड, करंट निकालना सीखा था पहले एक बार, इस बार पावर लेके आया, वाटेज। वाटेज मतलब ढंग से याद नहीं रखोगे ना वाट लग जाएगी नंबर की। हाँ जी, वाटेज। बोलो कुमावत जी कहां चले गए? आंसर देना जारी रखो, शानदार क्वेश्चन है। अब पक्का क्या? हेलो तिवारी जी, कितने नाम बदलोगे तिवारी जी? बोलो जी। हेलो बच्चे, नहीं आ रहा? गलत आंसर है तिवारी जी, सेकंड नहीं आएगा जी, चेक करना बच्चों। सबसे पहले तो ये जेनर डायोड है, सिंबल गलत बना हुआ है, ये सही कर लेते हम। अब आ जाओ यहां, कितना वोल्ट है? हाँ जी 3 आएगा जी, चेक करना बच्चों, ये 12, ये वोल्ट पे है, पर ये पैरेलल में वोल्टेज सेम है,
तो इस पे ड्रॉप भी कितना आएगा, 12 वोल्ट। इसका वोल्टेज आ गया, अब करंट निकालनी है और वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है। बोलो फटाक से, ये 12। और जेनर डायोड की करंट दे रखी है मैक्सिमम कितनी, 50 मिली एम्पियर। मजा आ गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बोलो क्या होगी, करंट दे दी, वोल्टेज दे दिया जीनर का, आई जेड पता है मैक्सिमम, आर ओ पावर चाहिए ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। देखो पावर ऑफ जेनर, वी जेड आई जेड, बच्चों मैक्सिमम चाहिए तो रेटिंग है ना, मैक्सिमम वाटेज पूछा है तो मैक्सिमम करंट ही यूज करेंगे। अरे ये मैक्सिमम पूछा है ना बच्चों, तो ये भी मैक्सिमम लेंगे ना, थोड़ा समझो ना। ये 12, ये कितना होगा, 50 माइनस 3, चेक करना बच्चों, तो 600 × 10⁻³ वाट, तो 0.6 वाट, अदरवाइज नंबर की वाट लग जाएगी, पक्का बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है अब। फिर आ गया ये वोल्टेज अक्रॉस लोड, इनपुट करंट दे रखा है बच्चों, बीटा दे रखा है, बिल्कुल सही। हाँ जी चेक कीजिए बच्चों, ये आई भी दिया है। अब ये इनपुट करंट लिखू क्या इसको, क्यों बेस इनपुट होता है उसमें, जिसको ये पसंद है ये लिख लो, जिसको ये पसंद है वो लिख लो, आई भी है ये। लोड रेजिस्टेंस आरसी या आउटपुट रेजिस्टेंस कहते हैं उसे, आरसी भी कह सकते हो। हाँ जी पक्का, चेक करना बच्चों, अब क्या चाहिए, बीटा दिया है, बीटा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो बोलो फटाक से, या आईसी अपॉन आईबी भी लिख सकते हैं, क्यों कॉमन एमिटर में इनपुट और आउटपुट कलेक्टर और बेस होता है, चलो आप तो आउटपुट ही लिख लो अभी तो, क्यों इनपुट करंट दिया है तो बीटा टाइम्स ऑफ आई आई हो जाएगा। बोलो बीटा कितना है, 100, वो कितना है, 5 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो बच्चों ध्यान रखना है, कितना हो गया सोल्व करेंगे तो 0.5 मिली एम्पियर, यार आप तो पावर में सोल्व कर लो जी, किसने कहा है जी, ये एम्पियर में आ गया, ये आउटपुट करंट है और आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास है, पूछा है आउटपुट वोल्टेज लोड पे क्या होता है, बोलो जी कितना आया जी, मल्टीप्लाई भी टीचर का मत देखो, अपना करो अपना, नहीं तो फिर एग्जाम में याद आएगी, जीएस सर को बुला लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, कर जाएंगे। बोलो जी कितना आया, पहला आंसर है, कैलकुलेशन कर जाएंगे, जीएस सर को बुला लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनते हैं, ये आपका शुरू होता है अब नेक्स्ट बच्चों, ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चनों में से गिना जाता है बच्चों, मैं चाहता हूं पहले आप ट्राई करें। आनंदू जी पहले आप देख के दिखाइए इसका आंसर, ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं सब लोग ट्राई करें, मैं देखना चाहता हूं किसमें दम है, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो मुझे समझाना है उतने ही दम से,
किसको एक्सप्लेन करना है, इसको क्वेश्चन नंबर बोलिए बच। कुमावत जी आंसर डायरेक्ट नहीं लिखोगे, सोल्व करके दिखाना पड़ेगा जी। बिल्कुल सही है आंसर, फिर भी लेके आइए, ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। इलेवन एक्सप्लेन कर रहा हूं जी, बिल्कुल कर रहा हूं जी। तिवारी जी, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, वोल्टेज गेन जी रखता है, ट्रांजिस्टर यूज्ड ट्रांसकंडक्टेंस, ये होती मोहो ट्रांस। पहले तो कंडक्टेंस सबको पता है क्या, रेजिस्टेंस पता है क्या, वी बाई आई, तो आई बाई वी को क्या कहेंगे, जी, ये होता है ओम, ये होता है महो, इसको स्मॉल जी से कहते हैं, जी, जी का मतलब होता है महो बच्चों, स्मॉल जी याद रखना, इसमें गेन लिया हुआ है कैपिटल जी, अभी बाद में डेटा भरेंगे, अब सुनो चेक करना, अब चेक करना बच्चों सब लोग, आई बाई वी, पर आई जिसका लेंगे ना, ये आउटपुट का है तो ये इनपुट का होगा, इसे कहते हैं ट्रांस म्यूचुअल, कि कर आउटपुट करंट जिसका है वोल्टेज उसका नहीं है, ये मतलब है इसका। तो आ जाओ बच्चों क्वेश्चन पे जाते हैं, ए वोल्टेज गेन इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो ये होगा आउटपुट करंट, ये पक्का, या इसको वापस वी आई लिख देते हैं बच्चों, ये पक्का क्या, ये आई वो अपॉन वी आई है ना, ये ट्रांसकंडक्टेंस है। बोलो बच्चों, और इसमें क्या छुपा बैठा है, ये इसको कहते हैं ट्रांसकंडक्टेंस। रुको कलरफुल पेन बनाते, यस ट्रांसकंडक्टेंस का मतलब होता है ये डिब्बा, ये देखो महो, ये महो, इसको इस ग्रुप का नाम रखा है। तो चेक करो वोल्टेज गेन किसके प्रोपोर्शनल है, वो ट्रांसकंडक्टेंस के, और इसमें कौन छुपा रहता है, करंट गेन ऑलरेडी छुपा बैठा रहता है बच्चों, ये देखो ये कौन है करंट गेन, ये करंट गेन है, ये छुपा रहता है इस जीएम में, पक्का क्या, हाँ जी। तो ए वन अपॉन ए टू महो वन, जीएम को मैं महो लिख देता हूं, तो महो वन अपॉन महो टू के प्रोपोर्शनल है, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हाँ जी तिवारी जी, ए वन जी दे रखा है, उसमें करंट गेन भी दिया है, करंट गेन को नाली में फेंक दो, क्यों फेंक दो, क्योंकि बच्चों उसका कोई काम नहीं है, महो वन बोलो बच्चों कितना है 0.03 और वो कितना है 0.02, बोलो फटाक से, पॉइंट कैंसिल हो गया, ए टू क्या होगा बच्चों 2/3 टाइम्स ऑफ जी, इज दैट क्लियर बच्चों। चलिए करंट गेन का कोई रोल क्यों नहीं है,
जो मोहो है म्यूचुअल कंडक्टेंस, उसमें ऑलरेडी करंट गेन छुपा रहता है, छुपा रहता है, तो उसको क्यों यूज करेंगे? जब हमने मोहो को यूज कर लिया, अरे भाई आपकी फैमिली में आपके फादर से जान पहचान है तो आप उसमें कंटेन हो गए ना, तो वैसे ही ट्रांस कंडक्टेंस से जान पहचान है ना, तो करंट उसमें, करंट गेन उसमें छुपा रहता है, तो हम ट्रांस कंडक्टेंस से हैंडल कर लेंगे, करंट गेन से कहेंगे आप तो ऑलरेडी इसमें कंसिडर हो चुके हो, तो आप अलग से खड़े हो तो भी हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए बच्चों 2/3G स्टार मार्क कर लेना, ये दोबारा से आएगा ना बच्चों को, 90% बच्चों को हाँ माइनस दिलाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चेक करना बच्चों, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, कौन सा ट्रू है, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होते हैं और होल माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, यस आंसर इज फोर्थ बच्चों, कौन सा है फोर्थ, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, बिल्कुल सही है। गलत है तिवारी जी, क्यों गलत है, उसमें ट्राइवेलेंट एटम मिला रहा है, सेकंड में चेक करो, बिल्कुल गलत है जी, आपका पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन आधा स्टेटमेंट गलत है वो, यस। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो आप कर दोगे, चेक करना बच्चों, विच गेट नैंड, कौन सा गेट, नॉट, नैंड और नॉट, क्या होगा, नाना एन एन कैंसिल, तो एंड, तरीका नंबर एक, दूसरा तरीका ए बी, तो ये आएगा ए डॉट बी का बार, और ये आएगा बार का बार, सो इट इज ए डॉट बी, बोलो बच्चों विच गेट, ये फोर्थ आंसर है, थर्ड नहीं जी, कुमावत जी गलत बोल रहे हो, एंड गेट है, एंड कौन सा है, फोर्थ वाला, क्या होता है मल्टीप्लाइंग गेट को कहते हैं जी, कुमावत जी सही आंसर लिखो जी, थर्ड नहीं चलेगा, अरे नैंड प्लस नॉट है, ना ना हाँ हाँ मतलब पॉजिटिव, अरे दो बार ना बोलना, हाँ बोलना है जी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, चेक करना बच्चों, ये बोलिए देखे कौन कौन कर पाता है, चेक करना बच्चों, पाई का फेज डिफरेंस देता है कौन, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, क्यों देता है पता है ना आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, ये कॉमन बेस, बेस को नीचे लाते हैं, हाँ जी ये, तो ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एरो एरो नहीं होता, इमीटर करंट का डायरेक्शन है, ये कलेक्टर है, ऐसी करंट होगी, ये आपका आईबी भी इनकमिंग होगा, अब ये जो नीचे वाला टर्मिनल है इसको छोड़कर जो लेफ्ट साइड है वो इनपुट है, राइट साइड है वो आउटपुट है, तो इसमें देखो दोनों लेफ्ट वाली करंट और राइट वाली करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, इसे कहते हैं फेज डिफरेंस जीरो, क्यों, अरे
इनपुट आउटपुट भी इधर और इनपुट भी उधर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट, तो इसे फेज डिफरेंस जीरो होगा। किसमें? सीबी में। लेकिन कॉमन इमीटर में चेक करना, इमीटर कॉमन, पक्का? क्या ये? अब ये एरो है ना बच्चों, वो आई है, तो आई आउटगोइंग है, तो आई सी और आई बी को इनकमिंग होना पड़ेगा। तो चेक करो, राइट वाली करंट लेफ्ट साइड है और लेफ्ट वाली करंट राइट साइड है, तो दोनों 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ये पाई का फेज डिफरेंस है, यहां फेज डिफरेंस जीरो है। किसमें? सीबी में। यहां 180 डिग्री और पाई का फेज डिफरेंस है, जबकि कॉमन कलेक्टर, कलेक्टर नीचे लेके आओ। हाँ जी, ये चेक करना बच्चों, ये मीटर है तो ये आई है, ये तो वो आउटगोइंग है तो ये इनकमिंग होगा, पक्का? तो बोलो, दोनों राइट लेफ्ट की करंट क्या है? राइट साइड है, तो कितने का फेज डिफरेंस है? जीरो। तो यहां क्या करना है? गेन होता है बच्चों, वीओ अपॉन वीआई, तो आउटपुट को कैसे लिखोगे? ए टाइम्स ऑफ वीआई, तो गेन से मल्टीप्लाई करोगे, साथ में पाई भी जोड़ोगे फेज में। तो बोलो, ए कितना दे रखा है? 150। इक्वेशन कितनी है? 2 कॉस 15t प्लस पाई बाई 3, ये तो आ गया। अब चेक करना बच्चों, ये पाई भी जोड़ना पड़ेगा, ये यहां पर पाई भी जोड़ना होगा, अगर कॉमन इमीटर है तो। पर अगर कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस है तो कुछ नहीं जोड़ना बच्चों। तो कितना आ गया? ये फाइनल आंसर है इसका। अभी छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। तो कितना आ गया? 300 cos 15t और ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। सो विच इज द आंसर? यस मिस्टर सुजीत यादव, हाँ जी, पक्का? सो आंसर इज फर्स्ट, बिल्कुल गोदारा जी सही आंसर दे रहे हैं, कुमावत जी ने भी सही दिया है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, पक्का? क्या चेक करना बच्चों, कौन सा रेक्टिफायर है? हाफ वेव, कौन सा रेक्टिफायर है? हाफ वेव बच्चों, ये इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या करता है? अलाउ द पॉजिटिव थिंकिंग। अरे इतना याद है क्या? इनपुट ऐसा है, ये नेगेटिव, ये वी आई, तो आउटपुट कैसा आएगा? सन्नाटा नेगेटिव पर, जीरो, फिर पॉजिटिव पर, फिर जीरो, ये जीरो। तो अलाउ द पॉजिटिव थिंकिंग, स्टॉप विच थिंकिंग, नेगेटिव पर जीरो हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव क्लिप्स है, ये नेगेटिव क्लिप्स है, क्योंकि ये जीरो है, तो केवल पॉजिटिव बिल्डिंग निकलेगी पार, नेगेटिव रुक जाएगी, क्योंकि उसमें डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। अरे बोलो जी, तो केवल पॉजिटिव साइकिल बना देना है, तो कैसा आएगा? यू यू यू, इतना ही। ये पॉजिटिव पार्ट है, जीरो से प्लस 5, ये पार होगा। यस आंसर इज थर्ड। याद रखने का तरीका, डबल डेकर बस थी, ब्रिज के नीचे से पास हुई, सिंगल डेकर रह गई, पर याद रखना कौन सा डेकर पार होगा, ओनली हाफ योर रेक्टिफायर। अलाउ द पॉजिटिव थिंकिंग, स्टॉप द नेगेटिव थिंकिंग,
हाँ जी समीक्षा जी, यस आंसर इज थर्ड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड ऑन, देखो हमने ये डिपेंड करा दिया था पहले, तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पर तो डिपेंड करता है क्यों, सिलिकॉन का अलग है, जर्मेनियम का अलग है, अमाउंट ऑफ डोपिंग पर भी डिपेंड करता है क्यों, डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम और ज्यादा हो जाता है बच्चों, पक्का क्या? अरे बोलो जी, अब टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करेगा, तो आंसर इज वन। बच्चों ये टेम्परेचर जैसे ऑप्शन है ना, टेम्परेचर से बैरियर का कोई लेना देना ही नहीं है। फोर नहीं बच्चों, फर्स्ट। अरे अमाउंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करता है, देखो टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, डोपिंग पर करता है, टेम्परेचर पर नेग्लिजिबल डिपेंड करता है बच्चों। थर्ड तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बी सी। हाँ जी टेम्परेचर पे डिपेंड कभी करता है कभी नहीं करता है, आधा अधूरा है मान लेते हैं चलो। हाँ जी कुमाऊं जी बताओ जी। ये परफेक्ट नहीं है, चेक कीजिए। अरे बोलो ना भाई, आंसर दो ना, ये तो फर्स्ट हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। यस क्यों, टेम्परेचर अधूरा अधूरा है, स्लाइट डिपेंड करता है इस पे, क्योंकि ऑप्शन में दिया है। हाँ 1 2 3 4 होते ना तो फिर 1 2 तो जाने ही थे। अच्छा त्रिपाठी जी आ गए, बहुत अच्छी बात है। त्रिपाठी जी आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, अब रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिएगा फिर कहोगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। नॉट करेक्ट, इमिटर इज हाईली डॉप्ड, बेस इज लाइटली डॉप्ड, बेस इज थिन इन साइज। ये सही है बच्चों, क्यों, डॉपिंग ऑर्डर पता है ना ट्रांजिस्टर में, इमीटर की सबसे ज्यादा, फिर कलेक्टर, फिर बेस, और साइज ऑर्डर वो भी पता है क्या, कलेक्टर इमीटर बेस, तो बेस की डॉपिंग भी कम और वो टिन्ना साइज, तो इमिटर इज हाईली डॉप्ड, नॉट करेक्ट पूछा है भाई, जल्दी ना करना मिस्टर पीयूष। इमिटर इज हाईली डॉप्ड बिल्कुल सही है, बेस इज लाइटली डॉप्ड सही है, बेस इज थिन इन साइज सही है, कलेक्टर इज कंपेरेबल विद इमिटर, कलेक्टर छोटा थोड़ी है, कलेक्टर तो बड़ा है ना इमिटर से, तो फोर इज रॉन्ग, पूछा क्या है, रॉन्ग, तो आंसर इज फोर बच्चों। यस नो टू, अरे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है बच्चों, क्लियर है सबको। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका शुरू होता है, लास्ट आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार, फिर आ गया वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर और इमीटर, आउटपुट वोल्टेज पूछा है, बोलो बच्चों, सप्लाई वोल्टेज इनपुट वोल्टेज दे रखा है, चेक करो चेक करो। 15
पक्का बेस्ट करंट गिवन है। बोलो बच्चों, बीटा दे रखा है आउटपुट अपॉन इनपुट करंट का, बी आई दे रखा है, आई आई दे रखा है, आई बी बेस करंट, हाँ जी पक्का क्या बच्चों? पूछा है आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट करंट और आउटपुट रेजिस्टेंस चाहिए। आउटपुट रेजिस्टेंस भी दे रखा है, कितना? 5K। ये तो आईओ निकाल लो ना, बीटा टाइम्स ऑफ आई आई। बोलो बीटा कितना? 100। आई आई कितना? 5 माइक्रो एम्पियर। बच्चों वैल्यू भर दो, बोलो आउटपुट 5 किलो ओम। तो बोलो बच्चों, ये क्या हुआ? ऐसे कैसे हुआ? तो कम आ रहा है बच्चों, अच्छा। रुको बच्चों, एक चीज गलत हुई इसमें, रुको जल्दी में चेक करना बच्चों, उड़ा रहा हूं। सबसे पहले चेक करना, गेन निकाल लो, बीटा टाइम्स ऑफ दिया नहीं है गेन। सप्लाई वोल्टेज ये होता है बच्चों, ये वीवो अपॉन वी आई है। चेक करना वीवो क्या होगा, सब लोग चेक करना है यहां, मैं आपको बता देता हूं दूसरे तरीके से। आर ओ अपॉन आर आई, बोलना बच्चों ये क्या हो गया? वी आई। ये आपका क्या हो गया? आई आई। आर ओ आई आई, यही आएगा आंसर। 100। आर ओ बोलो, चेक करना बच्चों, आर ओ 5 किलो ओम, आई आई 5 माइक्रो एम्पियर। सही है ये बच्चों, 2.5 वोल्ट है, इसे सही करो। ये 1 नहीं आएगा, नो सेकंड आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 2.5 वोल्ट है बच्चों, चेक करो। हाँ जी ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है, चेक करो ना भाई, इधर ये 5 हो गया, ये 2.5 वोल्ट है बच्चों, ये 1 हटा लीजिए यहां से। यह सेकंड आंसर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं अपनी तरफ से गलती मानता हूं बच्चों। क्लियर? चलिए बच्चों ये सेशन एंड करते हैं, ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हम ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर अनअकैडमी पर प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चों, तो ये एक और चैनल है जिसपे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो इस चैनल पर आ जाइए। और एक और चैनल है पुराना अनअकैडमी का, हाँ जी बच्चों, तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए।
10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी मेरे कोड से, जिसमें आपको बीपीपी स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए बच्चों वो सब अवेलेबल होगा आपके लिए। हाँ जी, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय। कल हमारी दो ही क्लासेस हैं, 10 o'clock और 7 o'clock। कितनी क्लासेस है? दो। कितने बजे? 10 o'clock और 7 o'clock बच्चों, चलिए।